पॉपुलर माइथोलॉजी सीरियल रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, अरविंद त्रिवेदी जी जो कि बड़े लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनका मंगलवार की रात को एक हार्ट अटैक के कारण 82 साल की उम्र में निधन हो गया। रामानंद सागर की लोकप्रिय सीरियल रामायण में उन्होंने रावण का किरदार निभाया था, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया था और उसकी वजह से रामायण टीवी पे आने वाला सबसे लोकप्रिय सीरियल भी बन चुका था। जहां एक तरफ अरविंद त्रिवेदी जी के निधन पर सारी इंडस्ट्री शोक मना रही है और वहीं दूसरी तरफ रामायण के को स्टार्स उन्हें अपने सोशल मीडिया पर दे रहे हैं श्रद्धांजलि। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी, लक्ष्मण का कैरेक्टर निभाने वाले सुनील लहरी जी और सीता का रोल निभाने वाली दीपिका टोपीवाला जी अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पिक्चर शेयर करके उन्हें दे रहे हैं श्रद्धांजलि। अमित त्रिवेदी जी रामायण में रावण का किरदार निभाने के लिए तो फेमस थे ही, और साथ ही साथ टीवी सीरीज विक्रम और बेताल और विश्वामित्र में भी कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए काफी जाने जाते थे, और साथ ही साथ उन्हें 7 बार बेस्ट एक्टिंग इन गुजराती फिल्म का अवार्ड भी मिल चुका था। फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ वो पॉलिटिक्स में भी रुचि रखते थे और बीजेपी की तरफ से गुजरात में लोकसभा के मेंबर के तौर पे भी चुने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उनके साथ एक पिक्चर शेयर करके उन्हें दी थी अपनी श्रद्धांजलि। मैं अपनी गूगल बॉलीवुड की पूरी टीम की तरफ से अमित त्रिवेदी की फैमिली को कॉन्डोलेंसेस देना चाहती हूँ।